कक्षा की छात्रा आज विभिन्न राज्यों का भोजन लेके प्रस्तुत हुए हैं। ये गुजरात का ढोकला है, ये पूरी पूरी है। उसको कवर कीजिए अच्छे से। हम लाए हैं, आप बच्चों आपने क्या तैयार किया है? हम लाए हैं दिल्ली के प्रसिद्ध छोले भटूरे। छोले भटूरे, ओके, वेरी गुड। हम लाए हैं दिल्ली का स्पेशल पनीर रोल। मैंने उत्तराखंड के मीठे पकौड़े तैयार किए हैं। मैंने गुजरात का स्पेशल ढोकला तैयार किया। मुझे भी कवर। हमने यूपी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध आलू पूरी और दिल्ली के प्रसिद्ध पनीर रोल तैयार किए हैं। दिल्ली की स्पेशल मैक्रोनी, दिल्ली वाले ज्यादा खाना तैयार करके आए। मैंने सरसों का साग और रोटी, सरसों का साग ही है ना ये पालक, हरियाणा का स्पेशल साग और रोटी। इसको दिखा दो। हम लाए हैं पर ऊपर नहीं उतरा। मैंने ढाबा संस्कृति की वो तैयार की है, क्या हो गया? इन्होंने ढाबा संस्कृति के नूडल्स तैयार किए हैं। अब नेक्स्ट, अभी रोक दो। तो आपने क्या तैयार किया है? पंजाब का स्पेशल आलू का पराठा। इनका आलू का पराठा दिखा दीजिए। उत्तर भारत की स्पेशल पकोड़े, पूड़ी और आलू की सब्जी, जो उत्तर भारत में विशेष कर खाई जाती है। आपने क्या तैयार किया है? मेथी के पराठे, जो सर्दियों में खूब सारे खाए जाते हैं, उत्तर भारत की विशेष डिश है। आपने क्या तैयार किया? आलू का पराठा, तोरई की सब्जी और पराठा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो विभिन्न राज्यों के बच्चे और विभिन्न खाना तैयार करके लाए हैं आज हमारे कक्षा में। बहुत अच्छा लग रहा है सबको? तो आज तो हम बहुत अच्छे से खाना खाएंगे और एंजॉयमेंट के साथ खाएंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने पार्ट को समझा अच्छे से। तो हमने क्या सीखा खान पान के बारे में? देखो, एक पूरी कक्षा के दौरान अलग अलग राज्यों का खाना एक जगह पे प्राप्त कर लिया ना। इसी प्रकार से ढाबा संस्कृति में भी हम क्या करते हैं, विभिन्न राज्यों का खाना।